गुड इवनिंग। फिजिक्स में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, गैसों का नियम। और उन गैसों के नियम में बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब का नियम, एवोगैड्रो नियम, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। तो उनमें से आज का टॉपिक मेरा सिर्फ छोटा सा टॉपिक डाल्टन के आंशिक दाब का नियम है। और डाल्टन का आंशिक दाब का नियम हम बताएंगे, और भी जो नियम हैं वो प्लेलिस्ट में आप पा जाएंगे। और जो नहीं होगा उसको आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, उसको बाद में उसका वीडियो बना दिया जाएगा। वैसे उसके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो और नियम पा जाएंगे। केवल इसमें आज जो हम बताने जा रहे हैं वो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है। तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या होता है उसको समझिए। टॉपिक है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, तो डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या होता है? गैस में किसी गैस की अवस्था को व्यक्त करने के लिए तीन राशियां चाहिए, दाब, आयतन, ताप। P क्या है? दाब है। V क्या है? आयतन है। T क्या है? ताप है। ठीक है, दाब, आयतन, ताप। तो वैसे हम इसको बताने के लिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम शॉर्ट में, मेन टॉपिक मेरा यही है आज का, फिर भी थोड़ा इसको समझने के लिए हम बायल का नियम बताए देते हैं, चार्ल्स का नियम बताए देते हैं, दाब का नियम बताए देते हैं, फिर इसके बाद हम इसको बताते हैं। तो सुनना होता क्या है, यदि इसको कांस्टेंट कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए? कांस्टेंट कर दिया जाए, टी को कांस्टेंट कर दिया जाए, नियत, कांस्टेंट मतलब नियत कर दिया जाए, इसको नियत कर दिया जाए, तो इसके इसके बीच में जो परिवर्तन होता है, यानी भी प्रोपोर्शनल 1/P, तो ये होता है बायल का नियम। क्या होता है? ये बायल का नियम, यानी नियत ताप पर दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती, आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती, जो भी कह दीजिए, नियत ताप पर आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती या दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बायल का नियम होता है। फिर ऐसे ही पी भी टी में से इसको नियत कर दिया जाए, इसको नियत कर दिया जाए, तो इसमें जो होता है भी प्रोपोर्शनल टी, तो इसको बोलते हैं चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम। ठीक है ना? अब एक ये है, पी भी टी में से यदि हम इसको नियत कर दें, इसको नियत कर दें, तो इसमें जो होता है पी प्रोपोर्शनल टी, ये है दाब का नियम। इसको क्या बोलते हैं? दाब का नियम। क्या कहा हमने? किसी गैस की अवस्था को व्यक्त करने के लिए तीन राशियां होती हैं, दाब, आयतन, ताप। दाब, आयतन, ताप। अब यदि हम ताप को नियत रख करके, ताप को नियत रखे, तो आयतन और दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, वो बायल का नियम होता है। और यदि दाब को नियत कर दिया जाए तो ताप और आयतन में जो परिवर्तन होता है वो किस नियम से होता है? चार्ल्स के नियम से। तो नियत दाब पर आयतन ताप के अनुक्रमानुपाती, और यदि आयतन को नियत कर दिया जाए तो दाब जो है ताप के अनुक्रमानुपाती, तो ये दाब का नियम होता है। ठीक है ना? तो ये रहा बायल का नियम, चार्ल्स का नियम और दाब का नियम। बायल्स का नियम, चार्ल्स का नियम और दाब का नियम। ठीक है ना? अब है जो मेरा टॉपिक आज का है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो इसके लिए सुनिए ये नियम क्या कहता है।
ये नियम ये कहता है, सुनिएगा पहले, एक ठो कोई एक गैस है, एक ये कोई गैस बी है, और एक ये गैस कोई क्या है सी, ठीक है ना। ए बी सी तीन गैस है, इसका इसका दाब जो है वो क्या है पी वन है, इसका दाब जो है वो क्या है पी टू है, इसका दाब क्या है पी थ्री है, ठीक है ना। और इसका इसमें इसके इसका ताप है टी वन, इसका ताप क्या है टी टू, इसका ताप क्या है टी थ्री है, ठीक है ना। अब है क्या, इनका ताप क्या है समान है, समान ताप, पर ये ताप तीनों का क्या है समान है, ताप तीनों का क्या है समान है। और ये गैसें ए बी सी तीन ठो गैस हैं, और इन गैसों को हम क्या कर दें एक बर्तन में मिक्स कर दें, लेकिन ये गैसें जो हैं एक दूसरे से क्रिया नहीं कर रही हैं, परस्पर क्रिया करने वाली गैसें नहीं हैं, परस्पर क्रिया करने वाली गैसें नहीं हैं कि ये 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 गैस इससे क्रिया कर ले, ये गैस इससे क्रिया करके कुछ अलग पदार्थ बना दे, है ना, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें होता क्या है, समान ताप और समान आयतन पर भिन्न भिन्न गैसों को यदि मिला दिया जाए, वो गैसें परस्पर क्रिया नहीं कर रही हैं, वो गैसें परस्पर क्रिया नहीं कर रही हैं, तो उनको यदि मिला दिया जाएगा तो मिश्रण का कुल जो दाब होगा उनके अवयवी दाबों के, उनके अलग अलग दाबों के योगफल के बराबर होता है। ये है, तो क्या बताया, समान ताप पर ये सभी गैसें हैं, कई गैसें हैं, और वो परस्पर क्रिया नहीं करती हैं, और उन सभी गैसों को क्या किया गया, मिला दिया गया, तो मिश्रण का जो दाब होगा उनके अवयवी दाबों के योगफल के बराबर होता है। इसका दाब पी वन है, इसका दाब पी टू है, इसका दाब पी थ्री है, और इन सभी गैसों को एक बर्तन में मिक्स कर दिया गया, तब मिश्रण का दाब P जो होगा पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री होगा, ये ठीक है ना। यानी इस नियम के अनुसार समान ताप पर, इस नियम के अनुसार समान ताप पर परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों को मिलाया जाए, इस नियम के अनुसार यदि समान ताप पर परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों को मिला दिया जाए तो उस मिश्रण का जो दाब होगा, कुल दाब जो होगा, उन सभी गैसों के अलग अलग दाबों के योगफल के बराबर होता है। सॉरी, क्या समझ में आया, कई गैसें हैं, उनका ताप क्या है समान है, और ये गैसें एक दूसरे से क्रिया करने वाली नहीं है, इन सभी गैसों को एक साथ मिला दिया जाए तो जो मिश्रण का दाब होगा उनके अलग अलग गैसों के दाबों के योगफल के बराबर होता है। यानी हम लिखे दे रहे हैं, देखिएगा, इस नियम के अनुसार यदि
समानता पर परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों को मिलाया जाए। तो मिश्रण का दाब उनके अभी गैसों के दाबों के योगफल के बराबर होता है। होता अर्थात P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस डैश डैश, और ज्यादा भी हो सकती हैं। यहां हमने तीनों लिए तो P1 प्लस P2 प्लस P3 ये भर होगा, है ना। लेकिन इसमें दो शर्तें जरूर हैं। ताप क्या होना चाहिए इन सब का? समान। ताप इन तीनों का क्या होना चाहिए? समान। और दूसरी शर्त क्या हो कि ये तीनों गैस परस्पर क्रिया ना करें, कि पता चला ये गैस क्रिया करके कुछ और बना दी, ये गैस क्रिया करके कुछ और बना दी, ऐसा ना हो, है ना। अक्री गैस समझ लीजिए, है ना। तो समान ताप पर परस्पर क्रिया यदि अनुसार इस नियम के अनुसार यदि समान ताप पर परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों को मिलाया जाए तो मिश्रण का जो दाब उनके अवयवी गैसों के दाबों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात पी बराबर पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री डैश डैश पी फोर, है ना। तो जितने भी गैसें होंगी सब, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। यदि तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब गया गैसों के नियम में, और कुछ नियम अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा।